इट वॉज अ वेरी फेबुलस मूवी. इसमें जो एक्टर्स ने रोल निभाया है, शिवाली का उबराय और विट्टू चेंगवाल का, उनका रोल बहुत ही देखने लायक है. और ये पिक्चर सुपर हिट है. लाइक इसमें जो दिखाया गया लोग, जो लोगों को इंस्पायरिंग करती कि जो आज बच्चों को संस्कार देना चाहिए, वो लड़कों का संस्कार नहीं मिल रहे, उसके लिए ये जो मूवी का जो परफेक्ट डायरेक्शन और जो लाइक पूरा डायरेक्शन किया गया है वो बहुत ही मज़ेदार है. और ये वाकई बहुत ही एक प्रेरणादायक मूवी है. बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री दोनों का, बहुत ही एक अच्छा एक म्यूचुअल हस्बैंड और वाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर करते दोनों, बहुत ही अमेजिंग है. कितने स्टार देंगे सर? मैं दूंगा 4.5 out of 5. डॉल सर, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत ही अच्छी थी और फाइट भी बहुत अच्छा है. सॉन्ग भी बहुत ही इमोशन वाला सॉन्ग है. और स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि बार बार रेप होना और उसके लिए कोई मुँह का आवाज़ नहीं खोलना, लेकिन बहुत ही अच्छा काम हुआ है. स्टोरी बहुत अच्छा है, लिखने वाले बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा. और सबको आके देखना चाहिए, हर कोई. सिर्फ गाना होगा, फाइट होगा, ये सब नहीं है. स्टोरी वाला ये गाना, ये जो मूवी है, आगे देखना चाहिएगा. और विद्यु जमाल का भी फाइट बहुत ही अच्छा है और एक्टिंग बहुत अच्छा किया है, तो सबको देखना है ज़रूर आके. बहुत अच्छी लगी और बहुत, मतलब खुदा हाफिज मैं फर्स्ट भी देखा हूँ, ये चैप्टर 2 है, तो उससे इसमें तो और भी बहुत बढ़िया है. सर क्या कितने स्टार देंगे? 5 से 5 दूंगा, अगर और भी स्टार होता तो दे देता. ठीक है, थैंक यू. ओवरऑल फिल्म कैसी लगी सर आपको खुदा हाफिज चैप्टर 2? मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने खुदा हाफिज पार्ट 1 भी देखा था और पार्ट 1 भी फारूक कबीर ने डायरेक्ट किया था, तो पार्ट 2 मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, इमोशंस हैं, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज. सर फिर मैं विद्युत जामवाल और उनकी एक्टिंग, विद्युत जामवाल को हम सिर्फ एक्शन जॉनर के हीरो जानते हैं, बट ये मूवी में उन्होंने अपनी इमोशनल साइड भी दिखाई. बहुत ही सेंसिटिव पोर्ट्रेल है फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में रिवेंज दिखाया है, वेंजेंस दिखाया है, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना किरदार निभाया और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक कम्प्लीट एक्टर है. नॉट जस्ट एक्शन बट इमोशंस में भी उन्होंने बाजी मार ली इस बार. शिवालिका ओबेरॉय की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लगी है वो, और उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है विद्युत जामवाल के साथ. और विद्युत जामवाल जो पहले हाफ में है बिल्कुल ऐसे क्लासी लगते हैं फॉर्मल्स में, उसके बाद जो उनका एक्शन सीन्स दिखाया है तो उसमें एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. तो मतलब आउट एंड आउट एक्शन दिखाया है सेकेंड हाफ में, और बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाले सीन से पार्ट मतलब पहले हाफ में, और सेकेंड हाफ में वही दिखाया कि वो कैसे बदला लेते हैं अपनी बेटी का जिन्होंने किडनैप किया है. मैं 4.5. मूवी एकदम बेस्ट था, मूवी जो देखा था अभी तो लाइक बहुत इंस्पिरेशन है. जो भी कुछ हुआ है लाइक अपने यहाँ पे भी, जो अभी इंडिया में जो भी वैसे सबको भी होता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तो वही वैसे उस पर बेस तो है. तो इट वॉज वेरी नाइस मूवी. उनका एक्टिंग तो बहुत बेस्ट था एंड विद्युत जमाल का तो फैन हूँ, तो इसके लिए उसका तो पिक्चर मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, तो इट वॉज वेरी नाइस. इसमें लाइक अभी एक्शन मूवीज तो बहुत पसंद है, बट अभी जो इस पर जो अभी जो बेस था, जो उसका बेस था लाइक विक्टिम्स जो रेप के ऊपर था, तो दैट वॉज वेरी नाइस. तो मतलब अभी अपने यहाँ पे भी लाइक वो होना चाहिए, लाइक मतलब जब भी कुछ भी रेप कुछ भी होता है तो उस पर लाइक ऑन द स्पॉट एक्शन लेना चाहिए, लाइक उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फैमिलीज के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि जब भी किसी फैमिली पे वो जब भी गुजरता है तो वो उनको समझना चाहिए, पुलिस वाले लोग को या फिर जो भी है, तो उनको समझना चाहिए और फास्ट एक्शन लेना चाहिए. कितने स्टार देंगे फिल्म को? लाइक ऑल 5 स्टार्स आई कैन गिव.